नमस्कार, मैं हूं गुलाब शाह और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो तनाव का माहौल था, अब उसने एक हिंसक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि कन्नूर में भाजपा सांसद वी मुरलीधरन और CPM विधायक AN शनीर के घरों पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। केरल के कन्नूर में प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस नहीं किए जाएंगे और प्रशासन की चेतावनी के मिलने के बाद ही ये हिंसा हुई। देखा जाए तो ये घटना जिस जगह पर हुई है, ये वो इलाका है जहां राज्य में CPM और भाजपा RSS कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। बम फेंकने की घटनाएं शुक्रवार रात हुई, जिससे पहले 2 जनवरी को दो महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करके इतिहास रचा था। इसके एक दिन बाद वाम मोर्चे की सरकार द्वारा महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिलाने के खिलाफ भाजपा समर्थित सबरीमाला कर्मा समिति ने केरल बंद करने का आह्वान किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये अंदाज़ा पहले से ही होना चाहिए था कि इस फैसले के बाद राज्य में इस तरह की हिंसा होना लाजमी है। मुख्यमंत्री विजयन की इन बयानों से ये बात साफ है कि खुद मुख्यमंत्री विजयन भी इस फैसले से नाखुश हैं और वो नहीं चाहते कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश करें। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।